हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। आज का ब्लॉग आप हमारे और हमारे साथ एसपी पेट्रोल पंप के सर से बात करने वाले हैं। उनके बारे में हम बताना चाहते हैं और उनसे वार्तालाप करना चाहते हैं। चलिए चलते हैं। आज हम आए हुए हैं एसपी पेट्रोल पंप और आपको यहाँ के सर से मिलाने वाले हैं और सर से थोड़ा वार्तालाप करने वाले हैं। चलिए चलते हैं सर के पास और आपसे बात कराते हैं। तो सर, यहाँ के बारे में कुछ बताएंगे आप? यस, तो ये जो पेट्रोल पंप है, सबसे पहला पॉइंट तो ये है कि डीजल का पंप है, ना कि पेट्रोल पंप है, राइट। तो यहाँ आप देख सकते हैं बहुत सारे ट्रक्स खड़े हुए हैं पेट्रोल पंप के बाहर, बहुत सारे ट्रक्स खड़े हुए है ना। तो ये पेट्रोल पंप एक हाईवे में आता है और यहाँ पर जो मेरा कार है बेसिकली, वो कार ही है फास्टैग फ्यूलिंग की तरफ मोड पे मूव हो रहा है। जैसा आप सभी ने सुना होगा, फास्टैग वर्ड सुना होगा, जैसे हम टोल प्लाजा में जाते हैं, किसी भी टोल प्लाजा में जाते हैं तो जो बड़ी बड़ी गाड़ियाँ होती हैं, इवन कार से लेके आपकी बड़े बड़े ट्रक्स हो गए, आपकी हाइड्रा मशीन्स हो गई, तो इन सब में क्या होता है, फास्टैग लगता है। कोई भी भारी वाहन जब टोल से गुजरता है तो उसको एक टैक्स देना पड़ता है, जैसे एक रोड टैक्स होता है वैसे ही टोल टैक्स होता है, तो वो टोल टैक्स पेमेंट करना होता है। तो पहले पेमेंट कैसे होता था कि एक एक गाड़ी रुकती थी, अपना पेमेंट करती थी, फिर आगे बढ़ती थी, फिर दूसरा व्यक्ति पेमेंट करता था, तो उससे बहुत टाइम टेकिंग होता था, ठीक है। फिर जैसे जैसे डिजिटलाइजेशन आ रहा है धीरे धीरे, इस गवर्नमेंट धीरे धीरे सब टेक्नोलॉजिकली डेवलपमेंट हो रहा है, उसी तरीके से फिर फास्टैग सिस्टम भी धीरे धीरे हमारे सिस्टम में आया, राइट। तो बेसिकली यहाँ पर हम लोग जो फास्टैग स्टार्ट कर रहे हैं, वो अब उसी फास्टैग से आप अपने डीजल का पेमेंट भी बहुत अच्छी आसानी तरीके से कर सकते हैं, है ना। जिस तरीके से वो टोल टैक्स से कर जाता था, तो उसी फास्टैग से अब आप बड़ी गाड़ी का डीजल का पेमेंट कर सकते हैं, है ना। अभी हमारे बहुत सारे खर्चे होते हैं, बस इतने। चलिए मैं आप लोगों को थोड़ा बाहर लेकर चलता हूँ कि कैसे हमारा जो प्रोजेक्ट है वो कार्य करता है। तो सर ने बताया और आपने सुना होगा, जैसे जैसे काम होते हैं और चलते हैं, सर दिखाने वाले हैं कुछ। यस, तो अभी आप लोग पीछे देख रहे हैं बहुत सारे ट्रक्स हैं, राइट। तो ये क्या है, डीलर जो है अपने लेवल पे ट्रक्स देता है। किसी भी पेट्रोल पंप में एक ट्रक वाले को चाहिए होती है एक अच्छी पार्किंग, है ना। तो ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है हाईवे एरियाज में, कि बड़ी बड़ी गाड़ियों को कुछ पार्किंग होती है, डीलर ड्राइवर्स जो होते हैं, वर्कर्स होते हैं, उनको कुछ आराम करना होता है, रेस्ट करना होता है। इसकी फैसिलिटी भी एचपी पेट्रोल, ये जो डीलर हैं इस पेट्रोल पंप के, इस डीजल पंप के, उस डीलर ने उनको सुविधा प्रदान करी है। तो मैं अपनी बात को कंटिन्यू करता हूँ जहाँ पर हमने शुरुआत किया था, कैसे फास्टैग का सिस्टम काम करता है। तो आप देखिए, वो कैमरा लगा हुआ है, कैमरा दिखाइए कैमरा में, हाँ। तो ये कैमरा लगा हुआ है, ये जो कैमरा है इसको बुलेट कैमरा कहते हैं, आईपी बुलेट कैमरा, है ना। ये डीलिंग का कैमरा होता है बेसिकली, एंड इसकी जो कॉस्ट है लगभग 25 to 30,000 वेरी करती है इस कैमरे की। तो ये कैमरा क्या करता है, ये गाड़ी का नंबर कैप्चर करता है, सबसे बड़ी बात है। एक वर्ड है आप लोगों ने सुना होगा, डेटा एनालिटिक्स होता है। डेटा एनालिटिक्स क्या होता है, वो कैमरा जो डेटा को स्टोर करता है। पहला तो है कि जैसे मान के चलिए ये कैमरा है, इसका एक कैमरा है, ये कैमरा क्या होता है, अपन किसी मोबाइल का कैमरा लेते हैं तो आपने देखा होगा कभी कभी कि जब भी आप किसी की फ़ोटो खींचते हैं तो एक आपके फेस के साइड में एक स्क्वायर जैसा बन जाता है, तो वो क्या आपका फेस को डिटेक्ट कर रहा है ना। आपकी गैलरी में जब आप सी ऑल में जाएंगे या अदर्स में फोल्डर में जाएंगे, तो उसमें एक जो आपका फेस है उसके अलग अलग फोल्डर कैप्चर्ड हो जाते हैं, अलग अलग नेम से आपको रिमेंबर हो। तो यहाँ पर क्या होता है, कोई भी गाड़ी अगर गुजरती है तो उसकी गाड़ी का नंबर इसमें स्टोर्ड हो जाता है। ये हमारा POS डिवाइस है जो पूरा डेडिकेटेड है हमारे फास्टैग के सिस्टम्स को लेके। अभी ये देखिए स्नैप ऑप्शन, अगर मान के चलिए इफ़ कैमरा इज़ नॉट वर्किंग प्रॉपरली, तो हम इस स्नैप ऑप्शन को यूज़ करके कैमरे का जो भी इस गाड़ी का जो है नंबर वो डिटेक्ट कर सकते हैं। जैसे मैं आप लोगों को एक उदाहरण प्रस्तुत करता हूँ, आइए मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ। तो आपने देखा होगा, सर ने इतना बताया और चलिए अब अंधेरा हो रहा है और घर की ओर निकलते हैं, थोड़ी देर में निकल रहे हैं।
लिए रात हो चुकी है, और अगर आपको हमारा ब्लॉग पसंद आया हो तो लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट ब्लॉग में। थैंक यू सो फॉर वॉचिंग। बाय।